फ्रेंड्स, मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज या मधुमेह रोग। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में देखेंगे कि डायबिटीज होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और योग के द्वारा डायबिटीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको डायबिटीज को क्योर करने के लिए पूरा पैकेज बताऊंगी कि हमें डायबिटीज को क्योर करने के लिए कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए और हम कितनी देर योग करें जिससे कि हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। देखा जाए तो डायबिटीज आज एक आम और व्यापक रोग हो गया है। देखिए, आज का समय इतना भागदौड़ भरा हो गया है कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने ही शरीर को समय देना भूल गए हैं। यही कारण है कि आज लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और वे जूझ रहे हैं, एलोपैथी दवाइयों के सहारे अपना समय निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि योग के माध्यम से इस बीमारी को पूरे तरीके से क्योर किया जा सकता है। इसके ऊपर अनेक प्रकार की रिसर्च हुई हैं जिनमें यह आया है कि डायबिटीज जैसी बीमारी को 3 महीने से लेकर 6 महीने में क्योर किया जा सकता है यदि प्रतिदिन योग का अभ्यास किया जाए। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में एक इंटरनल ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जिसमें इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। यदि पैनक्रियाज अपना कार्य करना बंद कर दे और उसे इंसुलिन नाम का यह हार्मोन निकलना बंद हो जाए या किसी भी तरीके की उसकी क्रिया बंद हो जाए, तब क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वह बढ़ने लगता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से इंसुलिन जब ग्लूकोज को हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो यह क्रिया बंद हो जाती है। जो हमारे शरीर में यह रासायनिक क्रिया चलती है ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो यह इंसुलिन के द्वारा ही होता है। और जब यह क्रिया बंद हो जाती है तब हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और तब यह डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए डायबिटीज जब भी होता है यह अपने साथ अनेक प्रकार की बीमारियों को और साथ ले आती है। आइए हम देखते हैं कि योग में कौन कौन से अभ्यास करें जिससे डायबिटीज को क्योर किया जा सके और इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए दूर रहा जाए। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएं, जैसे स्वास्तिक आसन, सिद्धासन या आलती पालती मारकर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ओम के चैंटिंग के साथ योग का अभ्यास करें और अपने आप से संकल्प करें कि मैं पूरा अभ्यास पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करूंगी। मैं यह समय अपने शरीर को दूंगी या दूंगा। इस समय में मैं कहीं बाहर किसी और वस्तु की तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाऊंगी या जाऊंगा। आइए धीरे से अपनी आँखों को बंद करें कोमलता के साथ। अपने दोनों हाथों को जान मुद्रा में, जान मुद्रा ये होती है अंगूठे और फिंगर की टिप को आपस में ऐसे बंद करें और हमारी जो 3 फिंगर हैं इनको ऐसे खुला रहेंगे और इनको अपने घुटनों के ऊपर रख दें और धीरे से आंखें बंद और कमर गर्दन एकदम सीधे, अपने सर से लेकर अपनी स्पाइन तक, जहाँ से आपकी स्पाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक के अपने पूरे पोस्चर को देखें। एकदम आपका पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपकी कमर आगे झुकी हुई ना हो। अपने पोस्चर को बीच बीच में चेक करते रहें। अब लंबी गहरी सांस धीरे से भरेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे। ओम।
मैं आप सबको एक बात अवश्य बताना चाहूँगी कि जब भी आप योग का कोई भी अभ्यास करें, आपके फेस पर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके फेस पर एक हल्की स्माइल होनी चाहिए। अब ये ओम चैंटिंग आप 3 बार करेंगे, अभी मैंने आपको 1 बार ही करके दिखाया है। अगर मैं सारे अभ्यास इतनी ही बार करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओम चैंटिंग 3 बार करें। उसके बाद धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को उठाएंगे और आपस में ऐसे रब करेंगे। और तब तक रब करना है जब तक हथेलियाँ गर्म न हो जाएं। फिर धीरे से उनको कप शेप में बनाकर अपनी आँखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आँखों को हथेलियों के बीच में खोल दें और अपने हाथों को अपने शरीर पर करते ऐसे लेके आए। अब इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर जान मुद्रा में रखें और इसके बाद करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका होता है लंबा गहरा सांस लेते हुए पेट को बाहर फुलाना और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर। कई बार हम क्या करते हैं कि हम उल्टा करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब पेट को अंदर खींच लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो पेट को भी बाहर खींचते हैं। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इनहेल कर रहे हों तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए और जब आप एक्सहेल कर रहे हों तो पेट अंदर की तरफ जाए। इसको आपको 100 टाइम करना है। इसको आप स्टार्टिंग में 100 टाइम करें। इसके बाद करेंगे कपालभाति। कपालभाति में अपनी सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं और इसमें इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। ये है कपालभाति। कपालभाति को आप स्टार्टिंग में 5 मिनट करें। यदि आपने इससे पहले कपालभाति का अभ्यास पहले भी आप करते आए हैं तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अपने टाइम को इनक्रीज करते जाएं। इसके बाद करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें फिंगर्स का बहुत ध्यान रखना होता है। कई बार कुछ लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, बट इसमें लेफ्ट हैंड से नहीं करना है, हमें सिर्फ राइट हैंड से ही करना है। इसके पीछे भी लॉजिक है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ राइट हैंड के राइट थंब का यूज करते हैं और ये रिंग फिंगर का यूज करते हैं। राइट थंब से राइट नोस्टल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे ऐसे। फिर जो रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्टल को बंद कर देंगे और राइट नोस्टल से थंब को हटाकर उससे धीरे से एक्सहेल करेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इनहेल करें
आपको आवाज के साथ इनहेल नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से इनहेल करें। आप देखेंगे कि जब आप धीरे से इनहेल करेंगे, आपकी बहुत आप लंबा सांस इनहेल कर पाएंगे, और उसको फिर जब एक्सहेल करें उसको भी बिना आवाज के धीरे से एक्सहेल करें ऐसे। अभी हमने ये तीन अभ्यास सीखे, भस्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। जब आप इन तीनों अभ्यास को एक साथ करेंगे तो इससे क्या होगा, कपालभाति हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर में जितनी गंदगी है वो कपालभाति के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और अनुलोम विलोम को हमेशा कपालभाति के बाद ही करना है। और जब आप अनुलोम विलोम करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुँचेगी, और जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तब जो अंदर प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्योर होने लगती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है वो तभी होती है, या तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है और या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, इन दो वजह से ही बॉडी में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए योग में कपालभाति और अनुलोम विलोम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। यदि कोई व्यक्ति डेली अपने रूटीन में कपालभाति और अनुलोम विलोम को ही ऐड करता है तो उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो भी उसकी क्योर होने लगती है। इसके बाद हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम करेंगे आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। आंखों को बंद करें, आंखों को खोलें और बंद करें 5 टाइम। फिर राइट देखें, आपको अपनी गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ अपनी आंखों को राइट और लेफ्ट करना है। फिर आंखों की पुतलियों को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक रोटेशन, सबसे पहले लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई योग का अभ्यास करें तो आप इनहेल और एक्सहेल के साथ करें, क्योंकि योग करते समय श्वास पर श्वास को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। जब भी हम कोई अभ्यास इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। को आपको इनहेल करते हुए यहाँ आना है और एक्सहेल करते हुए डाउन। इसको आप 5 टाइम क्लॉकवाइज करें और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखें। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ ले आए, या आप इसको पीछे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके इसको आप 5-5 बार कर लें। अब यहीं बैठे बैठे अपने लेग्स को थोड़ा सा शेक कर लें और थोड़ी सी पैरों की भी एक्सरसाइज करें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
उसके बाद चक्की चालन, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और इनहेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। कोशिश करें कि आप अपने टोज को क्रॉस कर जाएं और एक्सहेल करते हुए बैक। उसके बाद वापस एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ, ये आप फर्स्ट टाइम 10 टाइम क्लॉकवाइज करें और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और इनहेल एक्सहेल के साथ करें ऐसे। ध्यान रहे कि आपके हाथ कोहनी से बैंड नहीं होने चाहिए। इस व्यायाम से क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी मालिश होती है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पैनक्रियाज पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में आ जाएं। अपने दोनों हाथों की ऐसे फिस्ट बनाएं, अंगूठा अंदर की तरफ और उंगलियां अंगूठे के ऊपर। हाथों को ऐसे करें और हाथों को जो नेवल है उसके एक इधर रखें और एक इधर। अब इनहेल करें और इनहेल करने के बाद सांस को फिर बाहर वापस खाली करना है। उसके बाद दोनों हाथों को यहां रखकर आगे हमें झुकना है। धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस मंडूकासन से हमारी थाइस, हिप और लेग्स का जो एक्सेस फैट होता है वो रिड्यूस होता है और डायबिटीज के लिए यह आसन रामबाण बताया गया है। इस आसन के रेगुलर अभ्यास से डायबिटीज जल्दी ही ठीक होने लगता है क्योंकि जो हमारे पैनक्रियाज है। इस आसन के लिए मैं आपको एक बात और बताऊंगी, यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वह गर्दन को नीचे ना झुकाए अन्यथा गर्दन को अपने मैट से टच कर दे। मैं आपको एक बार और करके दिखाऊंगी। दोनों हाथों की फिस्ट बनाई और हाथों को यहाँ रखा, इनहेल और एक्सहेल करके सांस को बाहर छोड़ना है। पेट को अंदर खींचेंगे, यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो अपने माथे को अपनी मैट से टच कर दें और यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो सामने ऐसे देखें, वो अपने गर्दन को नीचे ना झुकाएं, ऐसे देखें सामने और आसन में थोड़ी देर होल्ड करें। जब हम किसी आसन में होल्ड करते हैं तो उस आसन का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सेल करते हुए धीरे से वापस। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को अपने ऊपर उठाएंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन और अपनी चिन को अपने मैट से टच कर दे।
और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा नीचे खींचे। थोड़ी देर आसन में होल्ड करें। सेल करते हुए वापस ये था शशांक आसन। अब हम करेंगे वक्रासन। अपने दोनों पैरों को आगे खोल दें और अपने राइट लेग को नी से बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए ऐसे रखेंगे। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेग को क्रॉस करते हुए अपनी जो लेग नीचे है उस लेग को क्रॉस उस लेग को ग्रिप कर लेंगे। अब जो हाथ हमारा ये जो राइट हैंड है इसको पीछे ऐसे रखेंगे और अपना पोस्चर को चेक करें। एकदम हमारे शोल्डर सीधे होने चाहिए और पीछे देखें। इस आसन में भी थोड़ी देर रुकेंगे। इस आसन से हमारे जो लोअर एब्डोमेन के जो पार्ट हैं वो सब उन सब की मालिश होती है और इससे हमारा जो पैनक्रियाज है उसकी भी मालिश होती है और वह एक्टिव होता है। अब लेग चेंज करेंगे। ऐसे ही लेफ्ट लेग को उठाएंगे और क्रॉस करके रखेंगे। राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट नी को बेंड थोड़ा सा पुश करके इसको ऐसे पकड़ेंगे और राइट जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको पीछे ऐसे रखेंगे और पीछे देखें। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। अब धीरे से जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। हाथ को ऐसे उठाएंगे ऐसे रखेंगे और लेग को ऐसे करके ऐसे। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए अपने हमें अपने दोनों घुटनों से गाय के मुख की शेप बनानी है। आप देखेंगे मैंने अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि गाय के मुख की शेप आई हुई है। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड को नीचे से ले जाकर अब आपस में ग्रिप कर लेंगे। ऐसे मैं दिखा नहीं पाऊंगी पीछे आपको, बस राइट हैंड की फिंगर को लेफ्ट हैंड की फिंगर से ग्रिप कर लें और अपने पोस्चर को चेक करें। एकदम पोस्चर सीधा होना चाहिए और सामने किसी एक पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए फोकस करें। इन्हें एक्सहेल करते रहें और फेस पर हल्की हल्की स्माइल होनी चाहिए। अब धीरे से वापस जैसे गए थे हम वैसे ही आना होता है। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाएं और पहले हम एक पाद उत्तान पादासन करेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे
होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल होल्ड और एक्सहेल। पैर को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, इनहेल करते हुए होल्ड धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन यदि कोई कर पाए तो ही करें। आप इसके लिए वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा पीछे और होल्ड करेंगे। इसमें भी आप इसमें 2 से 3 मिनट होल्ड कर सकते हैं। और फिर यहीं से मैं आपको हलासन बता रही हूं। आप चाहे तो हलासन अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी एक साथ हलासन कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वापस आना है। झटके के साथ नहीं आना है, तो इससे गर्दन में झटका आ सकता है, आपकी कमर में झटका आ सकता है। और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। अब हमें सर्वांग आसन करने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसका हमें काउंटर पोज भी करना चाहिए। काउंटर पोज करने से क्या होता है, देखिए जैसे हमारी गर्दन ऐसे बैंड हुई तो हमारी जो पीछे की मसल्स हैं उनमें खिंचाव आ गया है। अब हमें इसका काउंटर पोज करना होगा। इसके लिए अपने दोनों हाथों को साइड में ऐसे रखेंगे और गर्दन को ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जितनी देर हम सर्वांग आसन में रुके थे उतनी देर ही हमें इस पोज में रुकना होगा। अब धीरे से रिलीज करेंगे, पैरों को सामने खोल दें। अब इसके बाद करेंगे हम शवासन। देखिए जब भी हम कोई भी योग का अभ्यास करें उसके बाद हमें शवासन जरूर करना चाहिए। शवासन से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा अलग कर दें और हाथों की मुट्ठी न बनाए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और अपने पैरों में भी अपने कंधों के बराबर गैप कर दें। आंखें कोमलता से बंद, इनहेल एक्सहेल करें, 3 से 4 लंबी गहरी सांस लें
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों की ओर लेकर जाएं और अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी काफ मसल्स को या कहीं पिंडलियों को धीरे ढीला छोड़ दें। अपने नीज को, नी जॉइंट को ढीला छोड़ दें। अपनी थाइस को ढीला छोड़ दें। और जिस अंग का भी मैं नाम बोल रही हूँ, आप उस पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और उस अंग को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपने लोअर एब्डोमन पर लेकर जाएं और उसको रिलैक्स होने दें। अपर एब्डोमन पर लेकर जाएं और उसको रिलैक्स होने दें। अपनी शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने हैंड्स को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने फेस पर लेकर जाएं और अपने पूरे फेस को एकदम रिलैक्स होने दें, ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर आएं और ध्यान करें अपनी आती जाती सांसों पर। अपनी सांसों को ध्यान से देखें कि वो कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। शुरू में आप देखेंगे कि आपकी सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसों की गति धीमी हो चुकी है और आप पहले से रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपका शरीर एक शव की तरह है, ऐसा फील करें, और आप दूर बैठकर अपने शरीर को देख रहे हैं। चार से पांच मिनट इस आसन में रुकें। अब धीरे से इस स्थिति से बाहर आएं और अपने पैरों में मूवमेंट करें, अपने हाथों में मूवमेंट करें, अपनी हथेलियों को, अपनी फिंगर्स को खोलें और बंद करें, पैरों को भी। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और पैरों को नीचे की तरफ खींचे। पूरे शरीर में खिंचाव होगा, खींचे। इस क्रिया को दो बार करें। आप धीरे से अपनी आंखों को बंद ही रहने दें और धीरे से लेफ्ट साइड करवट लें और लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाओ। आप अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ही रहने दें और जैसे हमने स्टार्टिंग में ओम चैंटिंग की थी, वैसे ही आप ओम चैंटिंग करेंगे। करें इन्हेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति ही। धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को आपस में रब करें। अब अपनी हथेलियों को कप शेप में बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से आंखों को खोल दें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और जिसको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप इन आसन का रेगुलर अभ्यास करें और आप एक महीने के अंदर ही अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील करेंगे और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस बीमारी से बाहर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।